फ्लेयर गेमर्स कैसे हो सभी लोग। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने सर्वाइवल खेला था माइनक्राफ्ट में, तो आज हम लोग फिर से खेलेंगे माइनक्राफ्ट, जिसमें हम लोग करने वाले हैं कॉपी, एक घर की कॉपी। वैसे कॉपी तो नहीं, लेकिन ये मैंने खुद बनाया है। तो आइए देखते हैं कि मैंने अंदर कैसी मेहनत करी है। अबे चल भी लेता हूँ, ये वाला मेरा है, नहीं ये वाला मेरा है। अरे कौन से घर में जाओ यार, ये वाला मेरा है। मेरे को लगता है कि ये वाला मेरा है। नहीं ये वाला भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला बड़ा है। नहीं ये वाला बड़ा है, नहीं ये वाला बड़ा है। अरे छोड़ो ना यार, कोई भी गैस नहीं कर पाएगा कि इन दोनों में से कौन सा डिफरेंट है कौन सा नहीं। यार ये दोनों एक दूसरे के जैसे ही है। अब मैं इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा यार, छोड़ो इन बारे में, फटाफट से इंट्रो लगाओ कोई। अरे इंट्रो लगा दया। हमेशा प्रॉब्लम होता है मुझे अंदर घुसने में। तो ये है हमारा एक सोफ़ा, और ये है बहुत बड़ा आइटम फ्रेम। और यहाँ पे हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को अच्छी सी फ्लोरिंग दिखेगी, जो कि टेराकोटा से बनी हुई है। और यहाँ पे हमारा वर्किंग स्टेशन होगा, जहाँ पे ये है 4 कार्टोग्राफी टेबल, ये है 6 स्मिथिंग टेबल, और ये है 2 चेस्ट, लार्ज चेस्ट, और ये है 2 क्राफ्टिंग टेबल, और ये है 4 एनचेंटिंग टेबल। तो हम लोगों को यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो अगर यहाँ से ऊपर जाके देखें तो बहुत ही अच्छा सा लग्जरियस सा एकदम मॉडर्न सा हाउस दिखता है, जहाँ पे यहाँ पे अरे यार गिर गया मैं नीचे। ओके तो यहाँ पे दिखाई देता है हम लोगों को ये बुक शेल्फ, यहाँ पे सोने का और बुक पढ़ने की, और अगर ज़रूरत पड़े तो उस किचन में जाके थोड़ा बहुत खाना पका लेने का, और खा के वहीं पे बेड पे सो जाने का। तो हम लोग बनाने वाला है इसकी एक और कॉपी, क्योंकि मेरे साथ हुआ था एक बहुत गंदा स्कैम, इसलिए उस स्कैम के चलते हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको फटाफट से इसे बना के दिखा दूँ तो मुझे ऑलवेज दे रखना पड़ेगा, वरना ये मॉब्स मेरे काम में दखलंदाजी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ऑलवेज डे। कहाँ हैं ये रहा, ये कर दिया मैंने इनेबल। तो अभी हम बाहर जाएंगे तो हेलो, खाना खा के जाना। तलवार देखी, देखा बंदा कैसे भगा। तो अब चलो इसका ही एक कॉपी बना डालते हैं, और उसके बाद पहले हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे इसकी तरह ही एक ज़मीन पे बहुत सारा आयन लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे बहुत सारा आयन। ये लेन कितने की है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये 3 और ये 2 प्लस करके 8, और 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 11 प्लस 3 कितना होता है 14, 14 प्लस 3 17। तो हम लोगों को एक 17 की लेन बनानी है, फटाफट से 17 की लेन बनाते हैं, वो भी इससे। एंडरमैन भग जा, बहुत मन खा गया। 1 2 3 4 5 ये 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने ये 17 ब्लॉक का बना दिया है। तो अभी फटाफट से ये सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, फटाफट से ये रखे इसके ऊपर। ओके तो अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे फ्लोरिंग। तो उसकी फ्लोरिंग मैंने देखी है, तो उसकी फ्लोरिंग थी एक अलग तरह की। फ्लोरिंग के लिए उसमें यूज़ किए गए थे चीजल नेदर ब्रिक्स। तो फटाफट से यहाँ पे ब्रिक्स लगा देते हैं, हवा में उड़ जाते हैं पहले, और पहले देख लेते हैं कि कितने की लेन है वहाँ पे। 1 2 1 2 1 2 और 1 2। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ब्लॉक्स की पीछे जाना है हम लोगों को,
तो फटाफट से 8 ब्लॉक्स पीछे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो उस तरफ बेबी ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। तो अब हम दोनों को इसे जोड़ देना है साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। और चलो गाइस ये फाइनली हम लोगों ने इसको दीवार बना दिया है, तो फटाफट से हम लोगों को इसे कवर करना है फाइनली। तो अब हम लोग इसकी फ्लोरिंग बनाएंगे, फटाफट से इसकी फ्लोरिंग बना देते हैं और पहले से क्लियर कर लेते हैं। बिछा देता हूँ, ब्रिक्स को कुछ ऐसी लेन में रखना है ताकि ये अच्छा लगे। फटाफट से इसे यहाँ पे लग देता हूँ। ओप्स, मैं तोतला हो गया रियल। फटाफट से इसे यहाँ पे रखते हैं, मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी अच्छी तो है। मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको ये घर अच्छा लगा हो तो। ओ गाइस, मैंने ये कौन सी तरीके से लगाया, हर जगह पे रह गया, ये हो गया। ए शिव, मेरे को कुछ वूल चाहिए, क्या वूल उधर पे देगी क्या? ए शिव, इग्नोर करके चले गए भाई। तो चलो गाइस, फाइनली मैंने ये जो पहली लेन होती है वो कंप्लीट कर ली है। तो अब वहाँ पे से मुझे क्या करना है कि अब मुझे यहाँ पे थोड़ी लालटेन्स लगानी है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसी लालटेन्स है तो इन्हें ऐसे कंप्लीट करता हूँ मैं। ओ कितनी बड़ी मधुमक्खी है, इस मधुमक्खी को देख के मेरा दिल पहल गया। जो भी हो, मैंने ये बहुत ही बुरा जोक मारा। वैसे इस फालतू के जोक के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस। मुझे मालूम है कि अभी तक आपने उस लाइक के बटन को हिट नहीं करा है, तो अगर आप हिट करोगे तो देखना वो नीला कलर का हो जाएगा, और जब तक वो नीला कलर का ना हो उस लाइक बटन को छोड़ना मत। पीटते रहना और बस पीटते ही रहना। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने ये पूरी की पूरी लेन कंप्लीट कर ली है, तो अब मुझे उसकी तरह एक गोल्ड ब्लॉक्स लगाना है उसके आसपास। तो यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक्स उठा लेता हूँ और लगवा लेता हूँ अपनी हर एक कोने की साइड में। वैसे उसकी यही चीज़ तो मुझे पसंद है, ये रईसी है खानदानी, पीले पीले और मेरे जानी। इन शब्दों को तो संगीत में पिरोना चाहिए, क्या बोलते हो? ठीक है, तो यहाँ पे एक और गोल्ड ब्लॉक और ये लग गया चौथा। तो अब मुझे यहाँ पे दो और गोल्ड ब्लॉक लगवाने हैं। और अभी मुझे लगता है कि ये मैंने कुछ गलत कर दिया, तो अभी यहाँ पे दो लगाने हैं और यहाँ पे दो और लालटेन्स लगवानी है। तो अब मुझे लगवाना है यहाँ पे गेट, ठीक है? यहाँ पे से गेट नहीं मिल रहा। ए भाई, डोर कहाँ गया?
ये दिमाग में आइडिया पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले दिमाग में रहा नहीं। क्या मस्त जोक मारा है रे। अगर आप लोग घर पे बैठे हो तो जरूर हंस सकते हो, वरना तो बाहर मत हंसना, लोग पागल समझेंगे। फाइनली यहाँ पे गेट तो बन चुका है और अब हमारा कुछ घर जैसा लग रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ बनवा लेनी है, तो मैं यहाँ पे सीढ़ियाँ बना लेता हूँ और वहाँ पे मुझे देखना है कि कौन सी सीढ़ियाँ बनवाई है मैंने। पहले देखता हूँ यहाँ पे ब्लॉक्स में जाके जो कि मुझे पसंद आएगी वही सीढ़ियाँ मैं लगवा लूँगा इधर। ओके, तो मैंने उधर तो पता नहीं कौन सी लगाई थी, मुझे इतना कुछ याद नहीं है उस घर के बारे में। ओके, तो यहाँ वहाँ पे तो मैंने ये वाली शायद से स्टेयर्स लगवाई थी और मेरे को अभी इसे कंप्लीट करना है। तो अभी मैं ऊपर जाने का इंतजाम करने के लिए यही यूज करने वाला हूँ। ये इधर 1, 2 and 3, 3, 4 बना है इस ब्लैक कलर के वुड से। तो अब इसे परफेक्टली कंप्लीट करेंगे इस घर को इस ब्लैक कलर के वुड से। तो फटाफट से इसकी छत बनवा लेते हैं। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कि मैंने पूरा का पूरा छत कवर कर लिया है। तो अब आगे का काम ग्लास का है, तो ग्लास मुझे चाहिए ब्लैक कलर का और फटाफट से इस ब्लैक कलर के ग्लास को लगवा लेता हूँ इधर। और यहाँ पे ये कितने ब्लॉक्स का है, 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक्स का है। तो 1 ब्लॉक तो लगा लिया है, 4, 2, 3, 4 and 5 जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मैंने पूरे के पूरे ग्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे लगवाने वाला हूँ ये ब्लॉक ऑफ आयरन। तो फटाफट से ये ब्लॉक ऑफ आयरन लगवा लेते हैं इसकी छत पे। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने पूरा कंप्लीट करने ही वाला हूँ और बस ये छत कंप्लीट होने ही वाली है। और आप लोग कहोगे कि ये मैंने बाउंड्रीज क्यों छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे लगेंगी सी लार्टेंस और मुझे अभी देखना है कि ये सी लार्टेंस कितनी कौन सी बाउंड्री पे लगने वाली है। तो ये फाइनली ऐसे इसकी बाउंड्रीज पे अच्छे से लगवा लेनी है ताकि ये अच्छा लगे। और यहाँ पे मैंने पूल से लगा ली था फ्लो फ्लो में, तो अभी से फटाफट से अरे यार फिर से नहीं, फिर से ठीक कर देता हूँ इसे। ये होती है स्पीड, ओह शिट, स्पीड के माइनस करो मेरे, स्पीड -20 ये हो गया ठीक। और अब मुझे यहाँ पे लगवा लेनी है पूरी पूरी सी लार्टेंस। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मैंने पूरी की पूरी सी लार्टेंस लगवा लिया है यहाँ पे। और अब मैं इसके पीछे का पार्ट बनाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे पूरी की पूरी सी लार्टेंस एक और बार लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये सी लार्टेंस के ऊपर हम लोगों को लगवाना है स्टेन ग्लास। फटाफट से यहाँ पे लगा लेते हैं सी लार्टेंस। बहुत ही गलतियाँ होती हैं माइनक्राफ्ट में। ये देखो घोड़ा, घोड़े को भी रखने की हम लोग जगह बनाएंगे और जब इस हाउस को अपडेट करेंगे तभी मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगा। तो ओके गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने सारी लगा ली है लालटेन्स वगैरह सब, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छत बड़ा बना दिया है, बट स्टिल ये भी अच्छा ही लग रहा है। तो अब मैंने सोचा है कि इसका ग्लास पूरा का पूरा ऐसे ही कवर कर लूँ फटाफट से ताकि ये और भी अच्छा लगे। तो इससे काफ़ी डिफरेंट सा हो जाएगा ये घर, लेकिन फ्रंट से तो वैसा का वैसा ही दिखेगा जैसा दिखना चाहिए।
तो मुझे तो इसकी कॉपी से मतलब है, क्योंकि मैंने जो पहले वाली वीडियो बनाई थी वो फेल हो गई थी मेरी, तो उसकी वजह से मुझे इस वीडियो को वापस से एडिट करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा झमेले वाला काम है, तो इसे पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ इसे अभी के अभी। तो ओके गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने पूरा का पूरा ग्लास लगवा लिया है यहाँ पे, और अभी खाली एक ही चीज़ बाकी है जो कि यहाँ पे ग्लास लगाना है, जो कि मैं यहाँ पे फटाफट से लगवा लूँगा, क्योंकि इसकी जेरोक्स कॉपी तो अब बन ही चुकी है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से इसकी कॉपी भी बनवा लेते हैं। खाली मुझे इस घर में थोड़ा सा डिफॉल्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ये फ्लोर ऊपर नीचे है ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़मीन के अंदर धंसा हुआ सा है, ऐसा लग रहा है। तो मुझे बता दीजिए गाइस, मैं इसको एकदम अपडेट कर दूंगा और नेक्स्ट एपिसोड में आपको ज़रूर दिखाऊंगा लक्जरियस हाउस के पार्ट टू में। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे फटाफट बनवा लेता हूँ, और उसके बाद ये घर लगने लगेगा इसकी तरह, लेकिन अभी अंदर का इंटीरियर बनाना कुछ बाकी है, तो अब फटाफट से लगवा लेता हूँ यहाँ पे। और वैसे भी अंदर का इंटीरियर गाइस मैं उसकी तरह सेम ही बनाने वाला हूँ, खाली यहाँ पे एक फ्लोर ज़्यादा हो गया और मैंने ये ब्लॉक ऑफ वॉल डबल लगवा लिया है यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो मुझे यहाँ पे फटाफट से एक काम करना है, ये सारे के सारे ब्लैक स्टेन ग्लासेस यहाँ पे लगवा लेना है, ताकि ये पूरा का पूरा उसकी जेरोक्स कॉपी लगे। तो फाइनली ये हो चुका है, तो अभी मुझे अंदर जाके इन सारे जैसे इंटीरियर बना हुआ है वैसे ही मुझे इसका भी इंटीरियर बनाना है, तो मैं यहाँ पे अंदर चलता हूँ इसके अंदर। गाइस यार मैं अंदर तो आ ही चुका हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे एक दीवार बनवा लेनी है और इसे तोड़ देना है, ताकि ये ज़्यादा जगह ना घेरे, और अगर ये ज़्यादा जगह घेरेगा तो हम लोग इसे बनवा नहीं पाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बनवा लेते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि उसका ये मिरर है, पूरा का पूरा मिरर है ऐसा लग रहा है। तो फटाफट से यहाँ पे पहले सोफे लगवा लेते हैं। सोफों के लिए हम लोगों को चाहिए, मैं सोफे के लिए ये एकदम ऐसा लगता है कि ये भी सोफे की तरह ही है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट ये कैसे रह गए, ये लगवा लिए वापस से हमें, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से सोफ़ा लगवा लेते हैं, ये एक, अरे सॉरी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये नौ, ना नौ नहीं आठ ही लगवाएंगे, ये एक और लगवाया, और फिर ये स्टेयर्स थोड़ी और ये और, फाइनली यहाँ पे हो चुका है। और अभी हम लोगों को चाहिए एक फोटो फ्रेम, ये रहा पेंटिंग को एक यहाँ पे बड़ी सी पेंटिंग को यहाँ पे लगवा लेते हैं, नहीं ये वाली नहीं, यहाँ पे बस, अरे ये भी टूट गई, इसे इधर ऐसे लगा लेते हैं। तो अब ये हो गया है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे एक दीवार बनानी है, ताकि ये अच्छे से दिखे कि ये अच्छा घर है, और यहाँ पे हमारा क्राफ्टिंग रूम बन जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। फटाफट से यहाँ पे क्राफ्टिंग रूम बनवा लेते हैं, और मुझे एक बार वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लेना है कि क्राफ्टिंग रूम कैसे बनाया है मैंने। ओके गाइस, मैं वहाँ पे जाके देख के आ चुका हूँ कि मैंने क्राफ्टिंग रूम कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने लिया था ये कार्टोग्राफी टेबल, और ये मैंने क्राफ्टिंग टेबल लिया था, और बर्नर तो ऊपर के रूम में लगेगी, और मैंने लिया था ये एनचेंटिंग टेबल, और मैंने एक और चीज़ ली थी जो कि था स्मिथिंग टेबल। तो मुझे यहाँ पे कार्टोग्राफी टेबल बहुत सारे लगवा रहे थे, और फिर यहाँ पे स्मिथिंग टेबल मैं थोड़ा बहुत कंपोज गलत कर रहा हूँ, पर मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैंने डिफेंस से करा है, और ये मुझे मैं लगवाने वाला हूँ। Yeah.
कैलकुलेशन गलत चला गया, तो उसके लिए माफ़ी माफ़ी और माफ़ी। ठीक है, तो अब मैं इस तरफ जाता हूँ और थोड़ी बहुत फर्नेसेस, बहुत सारी फर्नेसेस, ब्लास्ट फर्नेस थोड़ी बहुत प्लेस कर लेता हूँ। और मैंने नीचे चेस्ट प्लेस भी करी, अब मुझे याद आ चुका है, मैं यहाँ पे चेस्ट भी ले लेता हूँ। और फर्नेस कहाँ गई, ये रही, मिल गई। तो यहाँ पे बहुत सारी फर्नेस प्लेस कर देता हूँ, एक दो चार, लग्जरियस हाउस की। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि राइट वाला मेरा है कि लेफ्ट वाला मेरा है, और बताना कि ये घर आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो भी नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर देना। और तब तक के लिए गुड।